magical giant bubble। गीता और गणेश एक दूसरे से प्यार करके शादी करना चाहते थे। अपने शादी के लिए प्री वेडिंग फोटोग्राफी भी करने का निश्चय किया। एक दिन गीता गणेश से, गणेश हम अपने शादी से पहले प्री वेडिंग फोटोशूट भी कर लेते हैं। सब अपनी शादी से पहले बहुत अलग अलग तरीके से कराते हैं फोटोशूट। मैं नहीं जानती तुम क्या करोगे, एक अच्छे फोटोग्राफर को ढूंढो और प्लान करो। अरे गीता, फोटोग्राफी में बहुत पैसे खर्च होते हैं, आजकल तो लोग अपने जायदाद भी बेच देते हैं फोटोग्राफी के लिए। तो एक काम करो ना, आप नेट में ढूंढो और जो सबसे सस्ते फोटोग्राफी करता हो उससे पकड़ कर ले आओ, हम उससे फोटोशूट करा लेंगे। अरे वाह, कमाल का आइडिया है। अरे तुम्हारा दिमाग खूब चलता है, इसीलिए इतनी सारी लड़कियों में से मैंने तुम्हें चुना, प्यार किया और शादी कर रहा हूँ। ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि तुम मुझे मिल गए। बस यूं लो, अभी मैं पूरे नेट को छान मारूंगा और बढ़िया सा फोटोग्राफर ढूंढ कर ले आऊंगा। कहकर नेट में सवेरे से फोटोग्राफर की तलाश करने लगा। शाम हो गई पर उसे कोई फोटोग्राफर नहीं मिला ढंग का। ये देखकर गीता, क्यों गणेश, एक फोटोग्राफर भी नहीं मिला? क्या ऐसा कोई फोटोग्राफर नहीं है जो हमारे बजट में नहीं समाता हो? अरे सारा नेट छान मारा, मेरी उंगलियों में दर्द होने लगा है पर कोई फोटोग्राफर नहीं मिला। गीता, मेरे सिर में भी दर्द हो रहा है और आंखें तो मान लो जल रही हैं, पर एक भी फोटोग्राफर नहीं मिला। अच्छे अच्छे फोटोग्राफर्स हैं पर वो बहुत पैसे मांगते हैं। ये सुनकर गीता दुखी होते हुए, तो इसका मतलब हमारा प्री वेडिंग फोटोशूट नहीं होगा? अरे अभी से हिम्मत हार गई, मैंने 4-5 वेबसाइट्स में एड डाला है कि हमें कम बजट वाला फोटोग्राफर चाहिए, देखते हैं कोई ना कोई तो मिल ही जाएगा। अगले दिन गणेश को एक फोन कॉल आया। गणेश ने फोन उठाया। हेलो, कौन बोल रहे हैं? दूसरी ओर से अनिल नाम का व्यक्ति अपना परिचय देते हुए, सर मेरा नाम अनिल है, मैं फोटोग्राफर हूँ, प्री वेडिंग फोटोशूट मेरा स्टाइल है और मैं अलग अलग तरीके से फोटो लेता रहता हूँ, कई सेलिब्रिटीज और फिल्म स्टार के भी फोटो लिए हैं सर। अच्छा, आई एम रियली लकी। आप कह रहे हो कि आपने सेलिब्रिटीज के फोटो खींचे हैं? आपने किस किस के फोटो खींचे हैं अब तक? आपके घर में 500 पेज का नोटबुक है? अगर है तो उसे निकालिए और लिखना शुरू कर दीजिए, और साथ साथ एक 100 पेन के डब्बा लेके आइए, उसे भी पास रख लीजिए। सबसे खास बात, एक जंडू बाम का शीशा भी अपने पास रखिएगा। ये इसलिए कह रहा हूँ कि मैं जो लिस्ट बताने वाला हूँ उसे लिखने के लिए आपको काफी वक्त लगने वाला है, क्योंकि लिखते लिखते पन्ने खत्म हो जाएंगे, पेन के इंक खत्म हो जाएंगे और लिखते लिखते आपका हाथ दर्द करना शुरू कर देगा, इसीलिए जंडू बाम मंगवा रहा हूँ। अच्छा, ये तो बहुत बढ़िया है यार, मैं समझ गया कि तुम कितने बड़े फोटोग्राफर हो। आप लिस्ट बताते जाओ, मैं लैपटॉप में फटाफट टाइप कर लूंगा। हमारे घर में हम पेपर ज्यादा इस्तेमाल नहीं करते, हम लोग पेपरलेस फैमिली हैं, हम सिर्फ डिजिटल टेक्नोलॉजी का प्रयोग करते हैं। अच्छा, ये तो बढ़िया है, तो एक काम करते हैं, आप अपना ईमेल आईडी दे दो, मैं लिस्ट मेल कर देता हूँ। वैसे आपके गूगल ड्राइव में स्पेस तो है ना? अरे भैया वो लिस्ट सब रहने दो, एक काम करो, आपने जो फोटो खींचे हैं कुछ सेलिब्रिटीज के वो 2-4 भेज दो, और साथ साथ आप जिस कॉन्सेप्ट में शूट करने वाले हो वो रेफरेंस 2-4 भेज देना, उनमें से हम कुछ स्टाइल्स चुन लेंगे, तब आप भी समझ जाओगे कि हम क्या चाहते हैं। अब आए ना आप रास्ते पर, ठीक है मैं सैंपल फोटोज भेजता हूँ, वो देख लीजिए और आपको जो स्टाइल पसंद है उसे चुन लीजिए, मैं एकदम वैसा ही फोटो बनाकर दे दूंगा आपको। कहकर उसने ईमेल भेज दिया। गणेश ने वो फोटो चेक किए और खुशी से कूदने लगा। अरे गीता, ये देखो हमें बहुत बढ़िया फोटोग्राफर मिला है, उसने कुछ सैंपल फोटोज भी भेजे हैं। उसमें सबसे अनोखा ये है कि एक बबल में वेडिंग कपल खड़े हैं और उन्होंने फोटो खिंचवाया है, वो तो बस समझो हाईलाइट है। मुझे वो बहुत पसंद आया, हम भी ऐसे ही खिंचवाते हैं। देखा, अब पता चला कि गीता का सिलेक्शन कोई ऐसे वैसे नहीं है। अच्छा, तो अब इस फोटोग्राफर को चुनने का श्रेय भी तुम लेना चाहती हो हैं? और नहीं तो क्या, ऐसे फोटोग्राफर को चुनने का टैलेंट तुम में है ये बात मैं जानती थी, और ऐसे टैलेंट वाले हस्बैंड को चुनना मेरी ही तो खासियत है, क्यों है कि नहीं? इसलिए गीता इज ग्रेट। अरे वाह, कमाल है भाई, तुम ऐसी वैसी नहीं हो। ठीक है, कल के लिए जो कपड़े चाहिए वो सब तैयार कर लो, कल अपना प्री वेडिंग शूट है। कहकर अगले दिन दोनों एकदम तैयार होकर फोटोशूट वाले लोकेशन पहुंचे। वहां फोटोग्राफर अनिल इनका इंतजार कर रहा था। इनके देरी से आने पर गुस्सा होते हुए अनिल, अरे ये क्या है, आपको जरा भी कॉमन सेंस है कि नहीं? मुझ जैसे क्रिएटिव फोटोग्राफर को इतना इंतजार कराते हैं आप? से आप लोगों का दिमाग खराब है? अगर देर हो रही थी तो कम से कम फोन करके इन्फॉर्म तो करते। ये सुनकर गणेश और गीता बहुत दुखी हुए। गणेश माफी मांगने लगा,
सॉरी सर, सॉरी, वी आर ट्रूली सॉरी। चलिए शुरू करते हैं। तब अनिल ने एक बड़ा सा रिंग निकाला और उसे ऊपर खींचा तो एक बहुत बड़ा जेंट बबल बना। उस बबल में उन्हें खड़ा करके फोटो खींचने से पहले वो बबल फट गया। कई बार हुआ तो गीता और गणेश तंग आ गए। तुम्हें हमें जेंट बबल में खड़ा करके फोटो खींचना आता भी है कि नहीं? तब अनिल अपने आप से, अरे बाप रे, अगर अब ये फोटो मैंने नहीं खींचा तो मैंने अब जो गाली दिया था इनको उसके बदले में 10 गुना गाली मुझे देंगे ये लोग। और ये बबल है कि फटता जा रहा है, ये बबल ना फटे इसके लिए इस सोल्यूशन में एक केमिकल मिलाता हूँ, कहकर उस बबल सोल्यूशन में कुछ मिलाया। बाद में उन दोनों को उस सोल्यूशन में खड़ा करके उस बबल को ऊपर खींचा, बहुत बढ़िया फोटो आया। लेकिन बाद में उसने देखा कि वे दोनों उस बबल के अंदर फंसे हुए थे। ये देखकर गीता और गणेश, अरे कमीने, तूने हमें इस जायंट बबल में फंसा दिया, अरे कुत्ते, हमें बाहर निकालो। देखिए, आपको बाहर निकालना हो तो मेरा रेम्यूनरेशन को दुगना करना होगा। अरे देंगे भैया, और कोई चारा भी तो नहीं है, पहले हमें बाहर निकालो। उसने उस बबल को फोड़ा और उन दोनों को बाहर निकाला। उनके बाहर आते ही, ओके चलो निकालो पैसे, कमान कमान निकालो। यूं कहते ही गीता और गणेश ने उसे पकड़कर खूब मारा। एक तो हमें अंदर फंसाया, ऊपर से पैसे मांगते हो कमीने, कहकर उसे खूब मारा। वो वहां से भाग खड़ा हुआ। वाटर बबल गन। कश्मीर में कल्याण जी और आनंद जी नाम के दो दोस्त थे। एक दिन कल्याण जी एक वाटर बबल गन को आनंद जी को दिखाते हुए, ओए देख, वाटर बबल गन इम्पोर्टेड है, अफ्रीका से लेकर आया है मेरा मामा, इसमें कितने जादू छुपे हैं तुम्हें पता है, कहकर चौड़ दिखाने ही जा रहा था। भाई बकवास बंद करो, ये कोई उम्र है वाटर गन के साथ खेलने की? लोग देख के पागल समझेंगे तुम्हें, और तुम्हारे साथ देख कर मुझे भी थोड़ा पागल समझेंगे। तुम मान नहीं रहे हो ना, चाहे तो इस वाटर गन को चला के देखो, उसमें से वाटर बबल्स आएंगे, ये साधारण है, लेकिन इसमें एक रहस्य है, मेरे मामा स्मगलर है, अफ्रीका से हाथी गोरिल्ला भैंस जैसे दुर्लभ जंतुओं को इस वाटर गन के सहारे स्मगल करते हैं। है, पक्का है भाई, तुम पागल ही हो, इतने छोटे गन में स्मगल कैसे करेंगे, बेवकूफ कैसे हो पाएगा, लगता है तुम्हें कोई लापरवाही हुई है। भले ही तुम्हारे मामा स्मगलर हो, लेकिन वो हाथी गोरिल्ला भैंस नहीं, कुछ और स्मगल कर रहे होंगे, उन्होंने उटपटांग सुनाकर ये वाटर गन तुम्हें दे दिया है। मेरा अंदाजा सही रहा तो इस वाटर गन में हीरे या और कोई कीमती चीज को छोटे छोटे करके स्मगल कर रहे होंगे, लेकिन तुमने जो बताया है वो नामुमकिन है। तुम नहीं मानोगे, ये देखो, कहकर उस वाटर बबल गन को चलाता है, उसमें से 3 बबल्स निकलते हैं, एक बबल में हाथी, दूसरे में गोरिल्ला और तीसरे में भैंस था। उन्हें देख के आनंद जी चौंक जाता है। ओए तुमने सच बोला भाई, तुम्हारी बातों को मैंने माना नहीं था, अब देख के भरोसा हो रहा है, ये कैसे मुमकिन हुआ? अरे भाई है कोई टेक्नोलॉजी, जुबान पे आ नहीं रहा, उसके सहारे किसी भी जानवर को अदृश्य करके पानी में बदल सकते हैं। वाटर बबल गन चलाने पर उससे निकले हुए बबल्स में वो जानवर वापस आ जाते हैं। ये कल्पना जैसे लग रहा है मुझे, चलो छोड़ो, मैं उन बबल्स को तोड़ दूंगा, तब वो हाथी गोरिल्ला और भैंस नीचे गिर जाएंगे, उन्हें हम अपने पास पालेंगे। दोस्त एक बार सोच लो, उसकी बातों को नजरअंदाज करके आनंद जी उन बबल्स को पत्थर मार के फोड़ देता है। बस भैंस हाथी और गोरिल्ला ऊंचाई से गिरते हैं, वो जहां गिरते हैं वहां खड्डा बन जाता है। उसे देख के आनंद जी ताली मारने लगता है। भाई मुझे बढ़िया आइडिया आया है, इस हाथी को ऊपर ले जाकर नीचे फेंक देंगे तो बड़ा खड्डा बन जाएगा, उसमें मिट्टी ये गोरिल्ला निकाल देगी, और ऐसे हम बड़े बड़े स्विमिंग पूल्स तैयार कर सकते हैं, उन्हें चलाकर हम खुशी और आराम से अपनी जिंदगी गुजार सकते हैं। घटिया आइडिया है तुम्हारा, पहले उस हाथी गोरिल्ला और बैस को ध्यान से घर ले जाओ, नहीं तो वो गांव को नष्ट कर देंगे। अरे इसमें मेरा क्या लेना देना, मैं बोल दूंगा कि मुझे कुछ नहीं पता, वाटर बबल गन के चलाने पर ये बाहर आए हैं बोलूंगा, तब तुम ही फंसोगे। धोखेबाज, चलो
ऐसे ही बच जाओ। पर पहले उस गोरिल्ला को देखो, तुम्हारे शॉप से सारे केलों को खा रहा है वो। उसे कैसे पकड़ना है वो सोचो, नहीं तो वो सारे केले खा जाएगी और तुम्हारे पापा तेरी बैंड बजा देंगे। आनंद जी भागते हुए गोरिल्ला के पास जाता है। हाय मेरा सोना, मेरे प्यारे, ऐसे केले खाओगे तो मेरा बाप मेरी बैंड बजा देगा। छोड़ दो पागल कहीं की, इतनी विनती कर रहा हूँ फिर भी बात नहीं सुन रही हो। गोरिल्ला को गुस्सा आता है, आनंद जी को उठाकर बहुत ऊपर फेंक देता है। दोस्त कल्याण, मेरा काम खत्म, यही मेरा आखिरी दिन है, तुम अपना दोस्त खोने वाले हो, कहकर हवा में उड़ रहा था। कहकर चिल्लाते हुए वापस नीचे गिरते वक्त वो हाथी अपने सूंड से उसे पकड़ लेती है और धीरे से नीचे उतारती है। दोस्त इस वाटर गन से इतना नष्ट होगा पता नहीं था मुझे, अब इन्हें कैसे अदृश्य करें। उसके मामा मैजिक रामस्वामी वहां आते हैं, अपने रिवर्स वाटर गन को इस्तेमाल करके उन्हें वापस एक डब्बे में डाल देते हैं। उनके डब्बे में वापस जाने के बाद अब से ऐसे प्रयोग मत करना, माहिर लोगों की मौजूदगी में ही करना, कहकर वार्निंग देकर वाटर बबल गन को ले जाता है।